तुझे पता मैंने तेरे लिए ना 3 लाख रुपए का ना एक सोने का हार लिया है यार, तो खुश होने वाली है बहुत ज्यादा। बहुत प्यारा है वो, बहुत प्यारा है। क्यों लिया? अरे भाई तो मेरी फ्रेंड है, इतना तो कर ही सकती मैं तेरे लिए। बहुत प्यारा नेकलेस है यार, उसका डिजाइन इतना ही ज्यादा प्यारा है ना, मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आएगा। और हाँ मैं भी श्योर हूँ कि तुझे भी पसंद आने वाला है। चल यार मैं तेरे पास ही आ रही हूँ। ओके बाय बाय। मेरा हार इसी में तो रखा था मैंने अपना। कहाँ गया मेरा हार? ये बुड्ढा अभी मेरे पीछे से निकल के गया है, जरूर इस लंगड़े बुड्ढे ने ही मेरा हार चुराया होगा। अभी बताती हूँ इसे। ओए बुड्ढे, ओए बुड्ढे रुक, ओए तेरे को समझ नहीं आ रहा जब से बोल रहे रुकने के लिए? अरे बेटी क्या हुआ? क्या हुआ? अबे लंगड़े बुड्ढे, मेरा सोने का हार चोरी करके तू ज्यादा शरीफ बन रहा है क्या? बोला बन के दिखा रहा है, निकाल मेरा सोने का हार। चोरी? सोने का हार? अरे बेटी तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मैं कोई चोर नहीं हूँ। ओए बुड्ढे ज्यादा ना झूठ मत बोल, जब मैं उस टाइम पे फोन में बात कर रही थी ना उस टाइम तक मेरे बैग में ना मेरा सोने का हार था, और तेरे अलावा ना मेरे पीछे से ना कोई निकल कर नहीं गया है, तू ही निकल के गया है सिर्फ। तो इसका मतलब है कि तूने ही मेरा सोने का हार चुराया है। चुपचाप से ना मेरा सोने का हार वापस कर दे, बता रही तेरे को मैं। अरे बेटा मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं तो लाचार बीमार आदमी हूँ, मैं तो अपने सिर्फ घर जा रहा था। अरे बेटा अगर तुझे शक हो रहा है तो तुम मेरी तलाशी ले सकती हो। चेकिंग तो बेटा मैं तेरी करूंगी, ऐसे तो तुझे जाने दूंगी नहीं मैं, रुक जा। तुम लोग बहुत ज्यादा ना शाणे बनते हो अपने आप को। तेरे पास ना मेरा सोने का हार है नहीं, इसका मतलब तूने ना मेरा सोने का हार कहीं ना कहीं छुपा दिया है। लंगड़े बुड्ढे तेरे को मैं बार बार बोल रही हूँ, मेरा ना सोने का हार वापस दे दे वरना बहुत बुरा हो जाएगा। मैं बताता हूँ तुम्हारा सोने का हार कहाँ है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा हार इस लंगड़े बुड्ढे ने कहाँ छुपाया है। क्या तुम सच में जानते हो कि इस लंगड़े बुड्ढे ने मेरा हार कहाँ छुपाया है? हाँ मैडम मैं जानता हूँ कि तुम्हारा हार इस लंगड़े बुड्ढे ने इस नारियल में छुपा रखा है। अरे बेटा ये नारियल पानी है, इसमें कहाँ से हार होगा, लाओ दो। ओ बुड्ढे अपना हाथ दूर रख, मैं दिखाता हूँ हार कहाँ है। ये देखिए मैडम आपका हार। हाँ हाँ ये मेरे ही हार है। बुड्ढे तूने तो कहा था कि तूने नहीं चुराया मेरा हार, फिर कहाँ से आया ये हार तेरे पास? पैर से लाचार हो गया लेकिन नियत से लाचार नहीं हुआ तू। क्या हो रहा है ये सब, कैसे इस बुजुर्ग आदमी को परेशान कर रहे हो तुम दोनों? अरे सर अच्छा हुआ आप आ गए, ये कोई मासूम भोला वाला इंसान नहीं है, चोर है ये बुड्ढा। चोर है? क्या चोरी करा इसने? इस बुड्ढे ने इन मैडम का हार चोरी कर लिया था। क्या हुआ बुड्ढे चौंक गया? जब तू इन मैडम का हार चुरा रहा था ना तब मैंने तुझे हार चुराते हुए देख लिया था। साहब मैं कोई चोर नहीं हूँ, ये लड़की मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है, असली में यही चोर है, बल्कि साहब असली चोर यही लड़की है। सर आपने इस बुड्ढे की बात पे ना विश्वास मत करो, न जाने क्या नाप शनाप बके जा रहा है मेरे बारे में। आपको क्या सर मैं शक्ल से चोर नजर आ रही हूँ? और वैसे भी ना ये हार ना मेरा है, अब आप बताओ मैं अपना हार क्यों चोरी करूंगी? अरे अंकल ये लड़की सही तो कह रही है, ये अपना हार क्यों चोरी करेगी, बल्कि आपको तो शर्म आनी चाहिए कि आप इस उम्र में यह सब कर रहे हो। साहब मैं बताता हूँ असलियत क्या है, जब मैं वहाँ से आ रहा था मैंने छोटी की शादी के लिए 3 लाख रुपए का सोने का हार तो बनवा लिया है, वो बहुत खुश हो जाएगी इसे देखकर। 3 लाख का हार, वो भी इस गरीब के पास? ये तो मेरे पास होना चाहिए। अरे अरे मेरा हार चोरी कर लिया, मेरा हार। अरे अरे मेरा हार मुझे वापस दे दो, मेरा हार। बस इसीलिए साहब मैंने इस लड़की के पर्स से यह हार निकाला ताकि मैं ये हार उस लड़की को वापस दे सकूं। है लड़की क्या ये सच बोल रहे हैं? नहीं नहीं, पर... भाग गई, इसका मतलब यही असली चोर थी। चलो कम से कम हार तो मिल गया। अंकल मुझे माफ कर देना, मैंने अनजाने में आपको बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला। कोई बात नहीं बेटा, वैसे भी जो तुमने देखा वही बोला। चलो अंकल जिसका ये हार है उसको वापस लौटा देते हैं। जरूरी नहीं कि जो हम देखते हैं वो सच ही हो। वीडियो अच्छी लगी तो आगे भेजें। जय हिंद जय भारत।